सच में एग्जाम देना पड़ता है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, बहुत अजीब बात है। क्या टाइम आ गया है? मुझे लगता है मैंने मूड खराब कर दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता खराब हुआ है। I'm sorry, मैं तुमसे ऐसी बात कर रहा हूँ। नहीं, ये सच है। हाँ, क्योंकि तुम सच्चाई के लिए पेमेंट नहीं कर रही हो, तुम एक फैंटेसी के लिए पे कर रही हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस लिए पेमेंट कर रही हूँ। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। मुझे इस पर संदेह नहीं है। तुम्हें मूड में लाने के लिए क्या करूँ? तुम्हारे हस्बैंड क्या करते थे तुम्हें मूड में लाने के लिए? अच्छा, वो तो अपने सारे कपड़े उतारते थे और बिस्तर पर लेट जाते थे बिना पैजामा पहने हुए। मैं भी अपने कपड़े उतारकर नाइटी पहन लेती थी और आकर उसके बगल में लेट जाती थी, और फिर वो मेरे कंधों को रगड़ता था और ब्रेस्ट को भी, और फिर वो ऊपर चढ़ जाता था, मेरे गाल को चूमता था और फिर पैजामा पहन लेता था। बस इतना ही? हाँ बस। हमेशा? हमेशा, कोई चेंजेस नहीं था 31 साल तक। बस यही सेक्स जो आपने कभी किया है? जी हाँ। वाओ वाओ, सच में। कोई ओरल नहीं? कोई ओरल नहीं। उस पर भी नहीं? नहीं, उन्होंने कहा कि ये इंसल्टिंग था। तुम्हारे लिए? उसके लिए। ठीक है, इसका मतलब तुम्हारे लिए भी ये इंसल्टिंग था? हाँ, उन्होंने कहा कि ये उनके लिए भी इंसल्टिंग था। तो तुमने कभी नहीं किया? नहीं, कभी नहीं किया, कभी नहीं दिया। क्या तुम करना चाहती? हाँ, मैं बहुत कुछ करना चाहती थी। इसे हटा, उसे कंट्रोल नहीं हो रहा।